This call is now being recorded. Decolonizing Social Sciences to Revisit Indian Culture and Tradition Part 5 अर्थात भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के पुनरावलोकन के लिए समाज विज्ञानों की औपनिवेशिक मुक्ति भाग 5 के व्याख्यानों के इस श्रृंखला में आज का जो विषय है संस्कृत विभाग द्वारा और सनातन धर्म ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर सनातन धर्म कॉलेज अम्बाला छावनी के द्वारा जो विषय लिया गया है वो है गुड गवर्नेंस व्हाट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन लर्न फ्रॉम संस्कृत शास्त्रीय पैराडाइम्स। तो सुशासन यानी कि संस्कृत शास्त्रीय निदर्शनों से लोक प्रशासन क्या सीख सकता है, ये जो सीरीज हम चला रहे हैं श्रृंखला चला रहे हैं वो इसीलिए है कि जो सोशल साइंसेस हैं उनका संस्कार किया जाए और संस्कार इस अर्थ में जो उसको बहुत अधिक हमने पश्चिमी दृष्टिकोण से पश्चिमी शब्दावली से पश्चिमी अवधारणाओं से बोझिल कर दिया है उसमें से जो दोष हैं उनको हम निकालें और गुणाधान उसमें करें गुणों को स्थापित करें और संस्कृति भी यही है ताकि जो भारतीय संदर्भ में बातें होनी चाहिए और भारतीय दृष्टिकोण से जो बात होनी चाहिए उसको उसमें सम्मिलित किया जाए। हम जरूर पश्चिम के थ्योरीज को उनके जो मॉडल्स हैं और उनका जो निष्कर्ष निकालने के तरीके हैं उनको हम जरूर स्वीकार करें लेकिन अपने संदर्भों में अपनी भूमि पे खड़े होकर के अपने दृष्टिकोण से उस सारे को हम स्वीकार करें और उतना जितना अपेक्षित है जिससे हमारी संवेदनशीलता जो है वो सुरक्षित रहे, संवेदनशीलता जो है वो विकृत ना हो और जो अच्छा है उसे जरूर ग्रहण करें। ये तो हमारी संस्कृति रही है कि जो अच्छा है उसे हम ग्रहण करें और जो उचित नहीं है जो युक्ति संगत नहीं है उसका हम त्याग करें। तो खैर आज का जो हमारा विषय है बहुत इसकी चर्चा भी हो रही है और वर्तमान जो गवर्नमेंट है सरकार है उसका मूल आधार भी यही है और ये बात ज्यादा उभर करके प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के जमाने से उभरी है ये गुड गवर्नेंस और सुशासन की बातें। तो सोशल साइंसेस में और पर्टिकुलरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस सारे विषय को कैसे देखा गया है और कैसे देखना चाहिए और संस्कृत विभाग इस सारे विषय को कैसे देखता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हो सकता है चर्चा थोड़ी लंबी हो लेकिन प्रयास करेंगे कि इसको हम सीमित भी रखें और संक्षिप्त रखें और सूत्र रूप में इस सारे विषय पे बात की जाए। तो सबसे पहली बात है कि संस्कृत विभाग को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या पता है, वो क्योंकि जैसा कि सोशल साइंसेस में हम पिछले कई सालों से यही पढ़ते और पढ़ाते आ रहे हैं कि यहाँ तो सब पिछड़ा हुआ था और यहाँ तो कोई ढंग की बात थी ही नहीं, जो कुछ था वहां पश्चिम में ही था। तो चलिए देखते हैं उसका भी मूल्यांकन करते हैं और जो सोशल साइंसेस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी हम देखते हैं। तो भारत सरकार का ये लोगो है, आप जानते हैं सत्यमेव जयते, वहां पार्लियामेंट में भी बहुत सारे संस्कृत के टुकड़े जो है चिपकाए गए हैं, हालांकि उनका जिस तरह का व्यवहार वहां होता है उससे उसका कोई संबंध तो नहीं होता लेकिन फिर भी हमने अपनी परंपरा अपना मुखौटे के रूप में बहुत सारे जो सूक्तियां हैं सूक्तियों के टुकड़े हैं उनको हमने टांग रखा है दीवारों पे ताकि हम अपने आप को किसी अर्थ में भारतीय कह सकें या भारतीय दिखा सकें। तो कुल मिलाकर के जो गुड गवर्नेंस का जो है उसकी ये अवधारणा है कि उसका जो इंडेक्स है आप देखते हैं कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में न्यायिक व सार्वजनिक सुरक्षा पर्यावरण ये सब बातें आप जानते ही हैं, इसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। सोशल साइंसेस के लोग हैं तो निश्चित रूप से ये पता ही है आप लोगों को लेकिन जो नहीं पता वहां से हम बात शुरू करते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर आप जो समझेंगे सामर्थ्य मूलम स्वातंत्र्यम, अब ये पढ़ाया नहीं जाएगा क्योंकि ये पढ़ाने लगेंगे तो हम फिर पिछड़े कैसे कहेंगे अपने को।
सामर्थ्य मूलम स्वातंत्र्यम श्रम मूलम च वैभवम न्याय मूलम तु सुराज्यम स्यात् संघ मूलम महाबलम। आप जरूर इसके प्रति एक दुराग्रह रख सकते हैं कि ये संस्कृत में कही गई बात है, पंडितों की बात है, जो भी आप समझे, लेकिन चलिए हिंदी में इसका अर्थ आप देख लीजिए। अर्थात शक्ति स्वतंत्रता का मूल है और उद्यम या मेहनत धन का संपत्ति का मूल है, न्याय सुराज्य का मूल होता है और संगठन महाशक्ति का आधार है। मुझे नहीं पता कि इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस चीज को कहीं इंक्लूड किया गया है और इस बात को पूरे आग्रह सहित कभी किसी ने कहा हो, मुझे संदेह है, क्योंकि जो कुछ सोचा गया समझा गया और जो वहां पे रिप्रेसिव सोसाइटी से उत्पन्न होकर के जो थ्योरीज आई हैं उनको हम बड़े फख्र के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन अपने भारत की भूमि से उत्पन्न हुए किसी भी सार्थक शब्द को, सार्थक वाक्य को हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन फिर भी मैं जरूर चाहूंगा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं इस वाक्य को जरूर चुनौती दें और इससे असहमति दिखाएं। और भी आप यहाँ देखें कि ये दश कुमार चरित नामक एक ग्रंथ है, उपन्यास कह लीजिए, मोटे शब्दों में संस्कृत का एक कथानक है, और उसमें ये जो एक राजकुमार है वो मंत्री के पास जाता है ज्ञान लेने के लिए, उपदेश ग्रहण करने के लिए, और वो उसको बताता है तो वो मंत्री उसे उपदेश देता है। निश्चित ही राज्य तीन शक्तियों के अधीन है, शक्तियां मंत्र, प्रभाव और उत्साह हैं, जो एक दूसरे से लाभान्वित होकर कर्तव्यों के क्षेत्र में प्रगति करती हैं। मंत्र का अर्थ है योजना, परामर्श से कार्य का ठीक निर्धारण होता है। प्रभाव शक्ति का अर्थ है राजोचित शक्ति या तेज से कार्य का आरंभ होता है और उत्साह या उद्यम से कार्य सिद्ध होता है। और ये दश कुमार चरित में शुकनास जो है वो राजकुमार को बता रहे हैं। लेकिन चलिए ये भी पिछड़ी हुई बात है, हम मान लेते हैं। चलिए अंग्रेजी में बात कहें तो शायद उसका कोई अर्थ हो जाए, क्योंकि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा, इन द हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट्स लाइज द किंग्स हैप्पीनेस। अब ये बात यहाँ पर मुझे नहीं पता वेस्ट में कभी भी किंग कभी अकाउंटेबल हुआ है, हालांकि हम राजा का अर्थ किंग कर देते हैं, जो कि नितांत असंगत, अनुचित और व्यर्थ का शब्द है, क्योंकि राजा इज अकाउंटेबल टू हिज प्रजा, वेयर एज किंग इज एब्सोल्यूट, ही इज नॉट अकाउंटेबल टू हिज पीपल सब्जेक्ट्स। तो ऐसी बहुत सारी शब्दावली हैं जिनकी हम बात करेंगे बीच में। इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स लाइज द किंग्स हैप्पीनेस, इन देयर वेलफेयर हिज वेलफेयर, ही शैल नॉट कंसिडर as good only that which pleases him, but treat as beneficial to him whatever pleases his subjects। तो ये अर्थशास्त्र कहता है। तो हो सकता है कहीं पर कोई मैनेजमेंट का या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति अंग्रेजी का ठप्पा लगा करके ऐसी कोई कोटेशंस सुना देता हो या सुन लेता हो। संस्कृत विभाग को गवर्नेंस के बारे में जो जानकारी है वो यही है कि आजकल जो गवर्नेंस पढ़ाई जाती है उसको हम मानते हैं कि उसमें अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, इक्विटेबल एंड ऑल इंक्लूसिव, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, फॉलोज द रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेटरी, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो आपको पार्टिसिपेटरी भी चाहिए, और कंसेंसस ओरिएंटेड। तो कुल मिला के ये हैं। और संस्कृत विभाग इस बात से भी परिचित है कि जो यूएनओ के द्वारा जो 8 जो उसके एलिमेंट्स गिनाए गए हैं, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस, पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, कंसेंसस ओरिएंटेड, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और निष्पक्ष आकलन इवेल्युएशन जो है वो इसमें गिनाए जाते हैं। तो इन सब बातों से आप भी परिचित हैं और संस्कृत विभाग भी पर्याप्त मात्रा में परिचित है, पूरा ना भी पता हो लेकिन पर्याप्त मात्रा में इस पक्ष से परिचित है। चलिए तो अब हम भाषा भी देख लेते हैं और कुछ कोटेशंस को भी देख लेते हैं, क्योंकि गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, धारणा है, वो क्या है। गवर्नेंस इज कॉमनली यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट, बट गवर्नेंस हैज टू बी अंडरस्टूड इन इट्स वाइडर कॉनोटेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट
एज वेल एज अदर एक्टिविटीज लाइक बिजनेस इंडस्ट्रीज ईटीसी। अब यहाँ पर जो अंतर आने लगता है वो है कि कृषि आधारित भाषा जो संस्कृत है उसमें जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे वो राजा, राज्य, अमात्य, पुर, दुर्ग, राष्ट्र, कोष, सेना, मित्र, प्रजा, धर्म, कर्म, शासन, जिसमें कि अनुशासन, प्रशासन, शास्त्र, कर्तव्य और दायित्व, इस तरह की शब्दावली देखने को मिलेगी। और ये जो उद्योग और व्यापार पर आश्रित भाषा जिसको हम अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें लोकतंत्र, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मताधिकार, चुनाव, जनता, कानून, संविधान, प्रशासन, तरक्की और विकास, ऐसी शब्दावली प्रयोग की जाती। तो इन दो के बीच में हम देखने का प्रयास करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय परंपरा से क्या सीख सकता है और क्या उसके लिए भारतीय परंपरा उपलब्ध कराती है। बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों पर निर्भर करता है कि वो कितने खुले मन वाले हैं या कितने वो प्रेजुडिस्ट माइंड वाले हैं। तो सबसे पहले हम यजुर्वेद को ही देख लेते हैं। वहां पर जो भी लीडर है, जो भी नेतृत्व करने वाला है, राजा है, उसको ये कहा गया है कृष्यैत्वा क्षेमायत्वा रैयैत्वा पोषायत्वा, अर्थात राजा राज्य में कृषि की उन्नति करे, जनता का सर्वविध कल्याण हो, राज्य में श्री वृद्धि हो और प्रजा का उचित भरण पोषण हो। अब ये कैसे हो, ये कह तो दिया गया, उसको आदेश दे दिया गया और धर्म के अधीन उसको ये सारा कुछ करना है, ये उसका धर्म है, राजा का ये धर्म है। तो लेकिन वो करे कैसे, वो होगा गुड गवर्नेंस से, तो जिसके बारे में हम आगे चल करके बात करेंगे। और फिर उसको फिर दोबारा याद दिलाया जाता है यजुर्वेद से ही कि तेजसे ब्रह्म वर्चसाय सरस्वत्यै वीर्याय अन्याद्याय बलाय श्रियै यशसे अभिषिञ्चामि, अर्थात तेजस्विता, ओजस्विता, शिक्षा प्रसार, अन्न समृद्धि, प्रजा की निरोगिता, जनता के संरक्षण और शक्ति संचय, श्री वृद्धि और राज्य के यश की वृद्धि के लिए राजा का अभिषेक किया जाता है। तो राजा को जब धर्मदंड के अधीन सिंहासन पर बिठाया जाता है तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि ही विल बी अकाउंटेबल टू हिज स्टेट एंड टू हिज सब्जेक्ट्स, नहीं तो वो राजा होने के योग्य नहीं है, राजा नहीं हो सकता, राजा शब्द फिर व्यर्थ का शब्द रह जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये राजा से अपेक्षाएं हैं, इसके लिए उसको क्या करना होगा, उसके लिए उसको गवर्नेंस करनी है, उसको शासन करना है। लेकिन शासन करने से पहले एक बात मैं जरूर आप लोगों से साझा करना चाहूंगा कि भारतीय परंपरा में जो समाज का एक आदर्श रहा है, सर्वोत्तम आदर्श शब्द भी उचित नहीं है क्योंकि वो आइडियलिज्म में चला जाता है, आदर्श नहीं, सर्वोत्तम प्रकार का जो समाज है उसका ये रूप आप देख सकते हैं और फिर हम आगे की बात करेंगे। इस बात को अपनी पृष्ठभूमि में जरूर रखें, न राज्यम न च राजा सीत न दंडो न च दांडिका स्वयं प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम, न राज्य था न राजा था न दंड था न दंड देने वाला, स्वयं सारी प्रजा ही एक दूसरे की रक्षा करती थी। अब ये जो आदिम एक सर्वोत्तम प्रारूप है समाज का और राज्य का, वही हम चाहते हैं कि प्रशासन के द्वारा, सुशासन के द्वारा वो सारा का सारा समाज इसी स्थिति को प्राप्त करे, तभी तो हम कहेंगे कि हमने विकास किया, हम इवॉल्व हुए, हम विकसित हुए, हम उन्मीलित हुए। अन्यथा तो फिर वही के वहीं रह जाएंगे कि हम सर्वाइवल की बातों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। अब इसके लिए क्या कहता है मनुस्मृति, जिसको कई बार चलाया जाता है, लेकिन देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा है। तो इच्छा है आपकी कि अगर वो उस संस्कृति से आप संबंधित रखते हैं जहां पुस्तकों को जलाया जाता है तो जरूर आपको जाना चाहिए, लेकिन पढ़ लें और देख लें कि उसमें क्या है और फिर उसके बाद जैसे आपकी इच्छा हो। राष्ट्र से संग्रह नित्यम विधानम भिदम माचरेत सुसंग्रहित राष्ट्रो ही पार्थिन सुखमेधते, फॉर द वेलबींग ऑफ द स्टेट रूलर शुड टेक एवरी केयर एंड अप्लाई राइट मीन्स एज Happy is the ruler who has a well-protected state. इसमें जरूर आप जातिवादी चीजें ढूंढें, ऐसी पंक्तियों में आप ब्राह्मणवादी
तत्व भी ढूंढ लें, पिछड़ापन, पाखंड जो ढूंढना चाहें वो आपकी अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है। तो खैर, जब आप इस तरह के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आपके सामने दो तीन बातें आती हैं, जिसके आगे चल करके हम प्रमाण भी देंगे कि सुशासन के कई उद्देश्य होते हैं। उनमें से प्रमुख है सक्षम होना, प्रभावकारी एवं सेवा उन्मुखी प्रशासन की स्थापना, स्वतंत्र न्याय प्रणाली की स्थापना, प्रशासन में पारदर्शिता लाना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना, विधि का शासन स्थापित करना जिसे धर्म कहा जाता है, समावेशी विकास एवं प्रशासन में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाना। सुशासन, इन उद्देश्यों की पूर्ति तभी हो सकती है जब नागरिक समाज सशक्त एवं जागरूक हो, और इस बात को हम देखेंगे जो प्रश्नावली में अंत में आपको दिखाऊंगा। और ये बात हम इसको पहले भी दोहराए हैं, कल के व्याख्यान में भी इसको हमने कोट किया था, लेकिन ये एक बेहतरीन उदाहरण हो सकता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए कि जहां पर अश्वपति जो राजा है उसमें वो कहता है न मे स्तेनो, घोषणा करता है न मे स्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपाह नाना हिताग्ने ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणु कुता। तो भाई वो क्या कहता है कि उसकी गुड गवर्नेंस का प्रभाव ये है कि न तो उसके राज्य में कोई चोर है, न अनुचित और स्वच्छंद व्यवहार करने वाला है, कुत्सित आचरण करने वाला है, न मद्यपाई है, और ऐसा कोई गृहस्थी नहीं जिसके घर में खाने पीने की व्यवस्था ना हो, और कोई ऐसा नहीं जो अविद्वान हो, पढ़ा लिखा नहीं, लिटरेट वाली बात नहीं है, अविद्वान की विद्वान ना हो ऐसा भी कोई नहीं है मेरे राज्य में, और न स्वेच्छाचारी पुरुष है कि जिसका जिधर आया उठ के चल पड़ा, और स्वेच्छाचार करने वाली स्त्री कहां से होगी। तो स्वेच्छाचार को स्वतंत्रता से कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है, फ्रीडम के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो ऐसे वो राजा घोषणा करता है, वो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोगों को एक पूरा मॉडल देता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्या वो ऐसे राज्यों की घोषणा कर सकते हैं या ऐसा एक मॉडल स्वीकार कर सकते हैं। थोड़ा सा और एक मॉडल देख लेते हैं पंक्तियों में, ये अभिज्ञान शाकुंतल जो सामान्य रूप से संस्कृत के लोग पढ़ाते हैं उसमें बहुत सारे ऐसा तत्व हमें देखने को मिलता है कालिदास के माध्यम से, जहां पर प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थवः, कि जो राजा है वो प्रकृति के हित के लिए ही कार्य करेगा, कि प्रजा का जिसमें हित है वही वो कर सकता है। अविश्रामो अयम लोकतंत्राधिकारः, और हमें ये बताया गया कि लोकतंत्र तो बस कहाँ से आया है, पहले ग्रीक वहां से आ गया, फिर उसके बाद पश्चिम से हमारे पास उठ के आ गया और हमने उसको अपने संविधान में एड अप कर लिया, और हम उसके लिए अंग्रेजों के धन्यवाद हैं। लेकिन लोकतंत्र शब्द आपको प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कालिदास के ग्रंथों में इस रूप में मिलता है, और उससे पहले आपको और भी कई तरह के ग्रंथों में मिलता है। और वो क्या कहता है कि लोकतंत्र में अविश्रामो एवं लोकतंत्राधिकारः, लोक का जो तंत्र है उसका ऐसा अधिकार है कि लगातार राजा को विश्राम छोड़ करके काम करना पड़ता है, ये लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है प्रजा को। लेकिन हम कैसे इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र शब्द ही हमने डेमोक्रेसी से उठाया है और उसका रूपांतरण करके हमने बताया कि अब अंग्रेजों ने तुम्हें लोकतंत्र सिखा दिया है, तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। और फिर वो कहता है कि गुड गवर्नेंस के लिए आप क्या करते हैं, षष्ठांश वृत्तिरपि धर्मः एषः, कि ये धर्म क्या है, षष्ठांश वृत्ति से ही आपका धर्म चलता है, कि सिक्स जो सिक्स परसेंट जो है आप अपना सारा 20% 30% और पता नहीं कितना परसेंट टैक्स में देते हैं और 50% के टैक्स और लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर टैक्स की लिमिटेशन है वो कितनी है 6%। प्रजा प्रा स्वायत्तनित्व, राजा के लिए ये भी जरूरी है गवर्नेंस करते हुए कि अपनी प्रजा का पालन कैसे करे, अपनी संतान की तरह। यहाँ पे दो बार प्रजा आया है, एक प्रजा का मतलब है संतान और एक प्रजा का अर्थ है जो सामने रहने वाले लोग हैं, उनका तंत्रित्व, उनका उसी तरह से वो पालन पोषण करे अपनी प्रजा के समान। और फिर एक बात और देखिए कितनी महत्वपूर्ण, कहता है कि जो जिसको शासन का अधिकार दिया जाता है, जिसको कहा जाता है कि तुम शासन चलाओ,
तो उसको क्या करना पड़ता है, स्वसुख निर्भिलाषा, अपने सुख में अभिलाषा नहीं रख सकता वो। खिद्य से लोक हेतु, निरंतर लोक के हेतु के लिए उसे खिद्य से परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। फिर वो छुट्टियां नहीं ले सकता, वो ये नहीं कह सकता है कि भाई मैं विश्राम कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। स्वसुख निर्भिलाषा, अपने सुख में उसकी कोई अभिलाषा नहीं, खिद्य से लोक हेतु, लोक हेतु से निरंतर उसे परिश्रम करना पड़ता है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाकुंतल जो है उसमें इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए दो तरह की बातें हैं, एक और गवर्नमेंट है जो इफेक्टिव गवर्नेंस, और दूसरी तरफ इफेक्टिव सिटीजन्स भी हैं जो गवर्नेंस को देखते हैं, राजा को ताड़ित भी कर सकते हैं, राजा को कह सकते हैं, राजा को सुना सकते हैं कि तुम धर्म के मार्ग का सेवन कर रहे हो और तुम योग्य नहीं हो इसके लिए। और उसके लिए आप उसका सिक्स्थ एक्ट भी देख सकते हैं, जहां पर एक्सटर्नली जो है उसको टर्म्स डिक्टेट की जाती हैं कि तुम धर्म का मार्ग पालन करो, शासन का जो मार्ग है, प्रजापालन का जो धर्म है, उसको तुम पालन करो। और कई बार उसे उसी एक्ट में जो है गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल एक्शंस भी जाना पड़ता है, जहां पर जाकर के वो दूसरों की सहायता करता है। और फिर फिफ्थ एक्ट में आप लोकतंत्र का भी प्रमाण देख सकते हैं, जहां पर राजा को आम प्रजा का व्यक्ति जो है वो आकर के उसको पॉइंट आउट करता है कि तुम अधर्म का पालन कर रहे हो। और एक जो बड़ा सुंदर इसमें श्लोक है कि इस श्लोक में वो क्या कहते हैं कि नियमसी कुमार्ग प्रस्थिता नात दंड प्रशमसी विवादम कल्पसे रक्षणाय अतनुषु विभवेशु ज्ञातया संतु नाम त्वैतु परिसमाप्तम बंधु कृत्यम प्रजाना। कि राजा में आकर के सारी जो प्रजा के बंधु कृत्य हैं, बंधुओं के द्वारा किए जाने वाले प्रजा के जो कार्य होते हैं वो राजा में आकर के समाप्त होते हैं। कि चाहे उसके लोग उसके अपने सगे संबंधी उसके लिए करें ना करें, लेकिन राजा को तो सबके लिए करना ही करना है। और क्या करता है, नियमेसी कुमार्ग प्रस्थितान आत दंडा, दंड के द्वारा वो कुमार्ग पे चले हुए लोगों को नियमित करता है, और प्रशमसी विवादम और विवादों को शांत करता है, कल्प से रक्षणाय रक्षा करने के लिए वो प्रयत्न करता रहता है, और ऐसे ज्ञाति लोग, ऐसे संबंधी लोग जिनके पास खूब सारा धन भी है, वो केवल नाम के ही लोग होते हैं, वो उसके संबंधी नाम के ही होते हैं, जो किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करते। लेकिन प्रजा का एक एक व्यक्ति का जो बंधु कृत्य है, जो बंधु के नाते किए जाने वाले कार्य है, वो राजा में आकर के समाप्त होते हैं। ऐसा है संस्कृत साहित्य की संस्कृति, जिसमें राजा को ऐसा अकाउंटेबल बनाया जाता है। वही रामचरितमानस जिसमें से ताड़न ताड़न को लेकर के हम जो है वो बड़ा शोर मचाते हैं, बिना उसको पढ़े, बिना उसको जाने, उसकी पृष्ठभूमि जाने, और उस भाषा से परिचित ही नहीं है, फिर भी रामचरित के उत्तरकांड में जो है आप राम राज्य का वर्णन देखिए, जिसमें सुशासन के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चारी उचरन धर्म जगमाही पूरी रहा सपनेहू अघनाही, अल्प मृत्यु नहीं कब नियो पीरा सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र ध्यान दीजिए नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना, सब निर्दम्भ धर्म नरत पुनि नर अरु नारी चतुर सब गुनी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। बहुत स्मार्ट लोग नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि इससे पहले कि आप ताड़न ताड़न की बातें करते हुए सारे उसके ऊपर आक्षेप करने का प्रयास करें, तो चलिए देख लेते हैं इसका अर्थ क्या है। राम राज्य में किसी भी शारीरिक मानसिक और भौतिक में से किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, सब एक दूसरे से प्रेम सहित रहते हुए अपने अपने धर्म के अनुसार, रिलीजन नहीं धर्म, अपना अपना जो कर्तव्य है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज और राइट्स कहे गए हैं, ये वो अर्थ है यहाँ पे। धर्म के अनुसार नीति और मर्यादाओं का पालन करते थे, धर्म के चारों चरणों का पालन किया जाता था, पाप तो स्वप्न में भी शेष नहीं बचा था। उस राज्य में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी, किसी भी
किसी को किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती थी। सभी सुंदर और निरोग शरीर के स्वामी थे। कोई भी दरिद्र या दुखी नहीं था। कोई भी मूर्ख या लक्षणहीन नहीं था। सभी लोग दंभ रहित होकर के धर्म का पालन करते थे। सभी कृतज्ञ और निष्कपट थे। तो ये एक मॉडल है, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो मानसिकता है, हमारी जो कंडीशनिंग है अंग्रेजी के माध्यम से, वो इसको स्वीकार नहीं कर सकती कि हम कभी इतने विकसित लोग थे। और ये चीजें तब लिखी गई हैं जब अभी वेस्ट पूरी तरह विकसित हुआ ही नहीं था, अपने डार्क एजेस से वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। एक और चीज देख लें जिसको हिंदी के लोगों ने हाशिए से भी बाहर निकाल दिया हुआ है। ऐसे एक गुरुदत्त विचारक नॉवलिस्ट हुए हैं हिंदी के, बहुत प्रतिभावान, और मालूम नहीं कि हिंदी के लोगों ने क्यों उनको दरकिनार कर दिया, वही बता सकते हैं। और उन्होंने अपने एक पुस्तक लिखी, प्रजातंत्र और वर्ण व्यवस्था, ये एक पुस्तक लिखी है, और उसमें वो राजा, वैदिक राजा वेन के बारे में बात करते हैं। और उसको मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए कि उस वक्त का वो लिखते हैं जो वैदिक विचार है गवर्नेंस के बारे में, और प्रजा के बारे में भी आपको पता लग जाएगा कि प्रजा कितनी एम्पावर्ड थी। वेन तो न केवल सुख भोग करता रहा, वरन अपने अधिकार से देवजनों को भी कष्ट देने लगा था। यानी कि आम प्रजा को तो दे ही रहा था, देवों को भी कष्ट देने लगा। इसके अत्याचार को देखकर तत्कालीन ऋषि एकत्रित हुए और उन्होंने राजा वेन को मार डाला। वेन के कई पुत्र थे, उसमें से पृथु को ऋषियों ने राजा बनाने के लिए निर्वाचित किया और कुछ शर्तों पे उसे राज्य की गति पे बिठा दिया। शर्तों में मुख्य यह थी, जिससे नियत धर्म की सिद्धि हो उसको निर्भय होकर करना, जो आपकी ड्यूटीज हो। प्रिय और अप्रिय का विचार छोड़कर अभिप्राय यह है कि अपने और पराये का विचार न करकर काम क्रोध लोभ मोह और मान से दूर हटकर सब प्राणियों में संभाव रखना। लेकिन हमें इसमें जाति ढूंढनी चाहिए कि भी प्राणियों में संभाव, इसमें कुछ ना कुछ जातिवादी बात होगी। तीसरा, लोक में जो कोई मनुष्य भी धर्म से विचलित हो उसे परास्त कर सनातन धर्म के विचार से दंड देना। सनातन धर्म, धृति इत्यादि 10 हैं। सनातन धर्म को कुछ और मत समझ लीजिएगा। सनातन धर्म जो है वो 10 लक्षण है, जिसमें क्षमा, धृति, अस्तेय ये सारे आते हैं। इस प्रकार पृथु से उक्त प्रतिज्ञाएं कराकर अंत में यह प्रतिज्ञा कराई गई। चौथी, मैं मन वाणी से कर्म मन वाणी और कर्म से वेद की आज्ञा का निरंतर पालन करूंगा। जब पृथु ने इन सब बातों को स्वीकार किया तो इसका राज्याभिषेक कर दिया गया। पृथु ने बहुत वर्ष तक राज्य किया। इस प्रकार राजा और राज्य व्यवस्था का निर्माण समाज में एक व्यवस्था लागू करने के लिए हुआ था। लोगों में लोभ मोह ईर्ष्या आदि के कारण होने वाले झगड़ों को समाप्त करने के लिए राजा नियुक्त किया गया था। राजा का काम था विद्वान और निस्वार्थी ऋषियों द्वारा समाज हित में बनाए गए धर्म या नियमों के अनुसार समाज के लोगों को चलाना, उसका उल्लंघन करने वालों को लोगों को दंडित करना। यही कारण है कि बाद में स्मृतिकारों ने राजा को दंड की संज्ञा दी। यदि आज की भाषा में कहा जाए तो राजा यानी कि सरकार का कार्य है सुरक्षा और कानून व्यवस्था और न्याय। तो ये कुल मिलाकर के उन्होंने अपना विचार गुरुदत्त ने दिया है अपनी पुस्तक प्रजातंत्र और वर्ण व्यवस्था में। महाभारत का भी थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर और चीजों को देखते हैं। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग जनता के राज्य के अर्थ में नहीं, यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में शासन अथवा राज कार्य के सामान्य अर्थ में हुआ है, जैसा कि कुबेर ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया। तो युधिष्ठिर जब उपदेश ग्रहण करने जाते हैं तो वहां युधिष्ठिर धृतिर दाक्षम देश काल पराक्रम लोकतंत्र विधाना नाम एष पंचविधो विधि। हे युधिष्ठिर, धैर्य, दक्षता, देश काल और पराक्रम ये 5 राज कार्य की सिद्धि हेतु है। अगर आप इफेक्टिव गवर्नेंस करना चाहते हैं, गुड गवर्नेंस करना चाहते हैं, तो धैर्य, दक्षता, देश काल और पराक्रम ये 5 जो है तत्व तो आपके पास होने चाहिए, आपके व्यक्तित्व में होने चाहिए। अब और कुछ पक्ष भी देख लेते हैं कि गुड गवर्नेंस के लिए क्या कुछ एक चीजें रिक्वायर्ड हैं। सारी यहाँ नहीं गिनाई जा सकती, केवल आपको एक आउटलाइन दी जा रही है। तो उस आउटलाइन बीच में ही चीजों को देखने और समझने का प्रयास कीजिए।
अब आप तो यज्ञ वो ही मानेंगे कि अरे पाखंड लकड़ियां लाके जला दी, घी डाल दिया, है ना। लेकिन अर्थ भी है अब इस यज्ञ के बारे में, यज्ञ है टू एनरिच द ट्रेरी, तीसरा यज्ञ है बाय जस्ट मेथड, ये जरूर है धर्म पूर्वक एकत्र करना है। टू रेंडर जस्टिस इम्पार्शियलिटी इम्पार्शियली टू द लिटिगेंट्स एंड टू प्रोटेक्ट द किंगडम, दीज आर द फाइव यजनास सेल्फ ड्यूटीज टू बी परफॉर्म बाय ए किंग और द स्टेट। लेकिन हिम्मत चाहिए इस बात को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि हो सकता है आप इन सब बातों को कैसे स्वीकार करें, मालूम नहीं। केवलम शास्त्रम आश्रित्य न कर्तव्यो विनिर्णय, गुड गवर्नेंस के लिए यह भी जरूरी है कि युक्ति ही ने विचारे तो धर्म हानि प्रजायते। क्या कहता है, क्या अर्थ करता है, डिसीजन शुड नॉट बी गिवन बाय मेयरली रिलाइंग ऑन द टेक्स्ट और लेटर्स ऑफ द शास्त्रास, कि केवल जो शास्त्र में लिख दिया गया है अपनी अकल भी इस्तेमाल साथ में करनी है, कॉमन सेंस भी यूज करनी है। और शास्त्र को केवल क्योंकि शास्त्र में ऐसे शब्द लिखा हुआ है तो उसको उसी तरह से समझ लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय परंपरा जिज्ञासा की परंपरा है, न कि विश्वास की परंपरा। इफ ए डिसीजन इज अराइव्ड विदाउट कंसीडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, इट रिजल्ट्स इन डिफीट ऑफ धर्म, फेलियर ऑफ जस्टिस। अब धर्म का अर्थ यहाँ पे जस्टिस है, तो अब आप देख लीजिए कि आप धर्म क्या मानते हैं और किस तरह से इस शब्द का दुष्प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगली बार धर्म शब्द का प्रयोग करते हुए थोड़ा सा सावधान आप रहेंगे। इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके हम चलते हैं। व्यवहार विदह प्राज्ञः वृत्तिशील गुणान्विता रिपौ मित्रे समायेच धर्मज्ञः सत्यवादिनः निरालसा जित क्रोध काम लोभा प्रियंवदा राज्ञा नियोजितव्यास्ते सभ्या सर्वासु जातिषु। शुक्र नीति में कहा गया है, लेकिन वो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं बना सकते, क्योंकि उसे हम जो है वो धार्मिक हो सकते हैं, पिछड़े हुए कहला सकते हैं। तो क्या कहता है, वन हु इज वेल वर्स्ड इन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर spiteful of sterling character, impartial towards friends and foes, of dharma abiding nature, truthful, ever active, and who has established control over anger, desire and greed, and pleasant in speech and demeanor, should be appointed a judge. To न्याय करने के लिए, सुशासन लाने के लिए आपको ऐसे judges appoint करने चाहिए। ये क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं, ये उसके गुण बताए गए हैं, क्वालिफायर्स बताए गए। और फिर राजा को ये भी ध्यान रखना चाहिए, न कालहरणम कार्यम राज्ञा साक्षी प्रभाषणे महान दोषो भवेत कालात धर्म व्यावृत्ति लक्षणा। द किंग और द कोर्ट शुड नॉट डिले इन एग्जामिनिंग द विटनेसेस एंड डिसाइडिंग केसेस, ए सीरियस डिफेक्ट नेमली मिसकैरेज ऑफ जस्टिस वाज वुड रिजल्ट ओइंग टू सच डिले। और हमारे न्यायालयों में न्याय की क्या स्थिति है वो आप लोग बेहतर जानते हैं, मुझे उसके ऊपर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं कि भारतीय परंपरा में, संस्कृत परंपरा में डेफिनेशन क्या है गवर्नेंस की। उसके पांच तत्व हैं, द मीन्स ऑफ स्टार्टिंग अंडरटेकिंग्स, ये अर्थशास्त्र के पहले 1.15.42 में आपको मिलेगा। हिम्मत कर सकते हैं साहस तो अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल दुर्ग्रह नहीं है। द मींस ऑफ चार्ट अंडरटेकिंग असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स, द एक्सीलेंस ऑफ मेन एंड मटेरियल, ये गवर्नर का दूसरा तत्व है। डिसाइडिंग सूटेबल प्लेस एंड टाइम, जो इफेक्टिव डिसीजन आपने लेने हैं वो। प्रोविजन अगेंस्ट फेलियर, जिसको प्लान बी कहते हैं, अगर फेलियर आया है तो क्या आप करेंगे। अकम्प्लिशमेंट ऑफ द वर्क, ये भी मूल्यांकित करना आवश्यक है, ये चाणक्य कहता है। चाणक्य और भी बहुत सारी बातें करता है, अंग्रेजी में सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंग्रेजी में बात स्वीकार करनी आसान हो जाती है, क्योंकि अंग्रेजी के साथ परिचय जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों का थोड़ा सा अधिक है।
वो अंग्रेजी में कही हुई बात को वो जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। तो कौटिल्य इन हिज अर्थशास्त्र स्पीकिंग ऑफ द किंग और द रूलर एक्सप्रेस द फॉलोइंग थॉट्स। ए किंग विद डिप्लीटेड ट्रेजरी ईट्स इनटू द वेरी वाइटैलिटी ऑफ द सिटीजंस एंड द कंट्री। 1:16। एट द सेम टाइम ए किंग हु इम्पॉवरिशेज हिज ओन पीपल और एंगर्स देम बाय अनजस्ट एग्जेक्शंस will also lose their loyalty. He further states, the king should hear at once all urgent matters and not postpone them, for postponement makes them more difficult and sometimes even impossible to settle. The king shall be ever active in management of the economy. The root of wealth is economic activity, and lack of it brings material distress. In the absence of a fruitful economic activity, both current prosperity and future growth will be destroyed. A king can achieve the desired objective and abundance of riches by undertaking productive economic activity. मुझे नहीं पता कभी किसी economist ने इन चीजों को कभी quote किया हो या भारतीय economics में economy को चलाने के लिए इस बात को कभी कहीं पर गलती से भी कहीं रेफर किया हो। लेकिन चलिए, कम से कम कौटिल्य पर हम फक्र कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं कि उस वक्त उसने ये सोचा जब अभी बेस्ट कहीं पर उसका नामो निशान भी नहीं था। आप ये देखिए कि आगे और क्या कहता है कि कौटिल्य सब्जेक्ट्स के बारे में, कि लोगों में जो ग्रीड, डिससेटिस्फेक्शन और असंतोष की भावना पैदा होती है वो कब होती है, जब किंग क्या करता है, वो कितने सारे कारण गिनाता है, 16 कारण आपके सामने गिनाता है। इग्नोर्स द गुड पीपल एंड फेवर्स द विकेट। और मैं चाहूंगा कि अगर इसके आधार पर आप आज का गवर्नेंस का मूल्यांकन करना चाहें तो वो जरूर करें कि हम जब भी किसी गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट हो, नेशनल गवर्नमेंट हो, जिसके बारे में भी कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, तो ओपिनियन जो है वो इन तथ्यों के आधार पर अगर आप अपनी ओपिनियन बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये इग्नोर्स, व्हेन द किंग इग्नोर्स द गुड पीपल एंड फेवर्स द विकेट, कॉजेस हार्म बाय न्यू अनराइटियस प्रैक्टिसेस, नेग्लेक्ट्स द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रॉपर एंड राइटियस प्रैक्टिसेस, सप्रेसेस धर्म एंड प्रोपगेट्स अधर्म, डज व्हाट ऑट नॉट टू बी डन एंड फेल्स टू डू व्हाट ऑट टू बी डन। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, fails to give what ought to be given। आप फ्री में जो मर्जी देते जाएं और जानते हैं कि अंत में इसका परिणाम दुष्परिणाम में ही परिवर्तित होगा। fails to give what ought to be given and exacts what he cannot rightly take, extracts। does not punish those who ought to be punished but punishes those who do not deserve to be। आप टेररिस्ट को छोड़ने की बातें कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं कि भी ये उनके साथ, उनके लिए आप केसेस लड़ सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट पे दबाव बना सकते हैं कि उनको छोड़ा जाए। अरेस्ट दोज हु शुड नॉट बी अरेस्टेड बट फेल्स टू अरेस्ट दोज हु शुड बी सीज्ड, इंडल्जेस इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स एंड डिस्ट्रॉयज प्रॉफिटेबल अंडरटेकिंग्स, फेल्स टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम थीव्स एंड रॉब्स देम हिमसेल्फ, डज नॉट do what he ought to do and reviles the work done by others, causes harm to the leaders of the people, does not recompensate services done to him, does not carry out his part of what has been agreed upon, and lastly intolerance and negligence destroys the welfare of the people। ये अर्थशास्त्र के साथ साथ 19 से लेकर के 26 तक के सूत्रों में कहा गया है। इसको जरूर पढ़िए और इसके आधार पर आप किसी भी स्टेट या नेशनल गवर्नमेंट का मूल्यांकन करने का प्रयास करें। उसी अर्थशास्त्र में देखिए गवर्नेंस के लिए वो क्या कहता है कि हर गवर्नेंस करने वाले को, हर राजा को, हर एडमिनिस्ट्रेटर को इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है और उसे लेनी चाहिए। किस लिए? टू नो व्हाट इज नॉट नोन, फाइंडिंग आउट द रेस्ट
in a matter which is partly known, definite strengthening of what has become known, removal of doubt in case of two possible alternatives. और सिर्फ इतना ही नहीं, वो SWOT analysis भी बताते हैं अर्थशास्त्र में. लेकिन SWOT analysis तो आज शब्दावली है, लेकिन जो प्राचीन शब्दावली में SWOT analysis है वो क्या कहता है, उसका एक प्रारूप आप देखिए. After ascertaining the relative strength or weaknesses of powers, place, time, revolts in rear, losses, expenses, gains and troubles of himself and of the enemy, the conqueror should march. तो ये सारा एनालिसिस करके व्यक्ति को, उस एडमिनिस्ट्रेटर को काम करना चाहिए. तो ये प्राचीन है. और जो SWOT एनालिसिस, जिसको स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स कहते हैं, उसको आज के युग में कहा जाता है, लेकिन ये प्राचीन है. चलिए हम आगे चलते हैं. और अब मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ संस्कृत विभाग के द्वारा, कि जो मूल्यांकन पद्धति बनाई गई है, कि किसी भी शासन का अगर आप मूल्यांकन करना चाहते हैं तो वो मूल्यांकन करने की प्रश्नावली क्या होनी चाहिए. तो सबसे पहली जो है, चार प्रकार की मैं प्रश्नावलियां आपके साथ साझा करूंगा संस्कृत विभाग द्वारा जो बनाई गई है, वो है कि सुशासन तंत्र के संदर्भ में रामायण आधारित, रामायण का मतलब यहाँ पे वाल्मीकि रामायण है जो संस्कृत में लिखी गई है, उसके आधार पर प्रश्नावलियां हैं. और ये कहाँ से ली गई है, उसके जो दूसरे कांड के 100वें अध्याय के 9वां 15वां, ये सारा वो दिया हुआ है, रेफरेंसेस दिए हुए हैं. मैं आपको कुछ एक इसमें से पढ़ देता हूँ और बाकी छोड़ दूंगा, ताकि आप इसको आराम से अपने समय में इसको पढ़ सकते हैं, अपनी स्क्रीन से अपने वीडियो में इसको देख सकते हैं. क्या आज धर्म पर तत्पर रहने वाले विद्वानों की यथावत पूजा होती है? पूजा का मतलब ये नहीं है कि उनको मालाएं पहनाई जाती हैं और उनके ऊपर कोई, उनके आगे धूप दीप जलाए जाते हैं. पूजा का मतलब है उनका सम्मान. पूज शब्द जो है वो सम्मान के अर्थ में आता है. और इसको हमने आगे, संस्कृत विभाग ने जब एक सर्वे कंडक्ट किया था तो इसके आगे दिया हुआ था हाँ, नहीं, पता नहीं. तो तीन के स्केल पे इस सारे को मूल्यांकित किया गया था. और जो ऑनलाइन जो है वो सर्वे इसका कंडक्ट किया था. तो लेकिन इसको तो केवल अभी आप लोगों के साथ वैसे साझा कर रहे हैं. और अगर आप में से किसी की आवश्यकता होगी तो उसके जो है हम लिंक शेयर कर देंगे. दूसरा जो है मूल्यांकन करने के लिए, क्या आज योग्य शास्त्रों को जानने वाले, यानी कि जिनके पास खूब सारी डिग्रीज हैं, विद्वान, जितेंद्रिय, कुशल व्यक्तियों को राज्य का अधिकारी अथवा मंत्री बनाया जाता है? क्या आज मंत्रियों द्वारा राज्य के विकास संबंधी मंत्रणाओं को गुप्त रखा जाता है? क्या राज्य की नीतियों को लागू करने में विलंब तो नहीं किया जाता? क्या राज्य में घूस न लेने वाले, श्रेष्ठ आचरण करने वाले मंत्रियों या राज्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई है? क्या प्रजा राज्य द्वारा अधिक कर लिए जाने पर सरकार का अनादर तो नहीं करती है? क्या वर्तमान में प्रजा कठोर दंड व्यवस्था के कारण उद्विग्न होकर राज्याधिकारियों अथवा मंत्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती? क्या राज्य की सुरक्षा के लिए बुद्धिमान, शूरवीर, रण कर्म दक्ष सैन्य अधिकारियों को की नियुक्ति की गई है? क्या राज्य के कर्मचारियों तथा सैनिकों को वेतन और भत्ता समय पर प्राप्त होता है? ये तब की बातें हैं जब वेस्ट कहीं खड़ा भी नहीं हो रहा था. ये तब की बातें हैं. लेकिन पता नहीं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के किसी कोर्स का ये हिस्सा है कि नहीं है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कभी इस तरह की बातों पर कभी गर्व या फख्र अनुभव करते हुए इसको अपने सिलेबस में लागू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. क्या राज्य में स्त्रियां संतुष्ट तथा सुरक्षित हैं? क्या राज्य द्वारा अपने ही देश के निवासी, प्रतिभाशील और सद्विवेक युक्त बात कहने वाले राजदूत को नियुक्त किया गया है? क्या राज्य में हिंसा और भय रहित वातावरण है? क्या सचमुच ऐसा है? तो आप उत्तर दे सकते हैं हाँ, ना और पता नहीं पर. अब ये वाल्मीकि रामायण कह रहा है, जिसको हम केवल पूजा पाठ के समझ करके और धार्मिक नाम दे करके इधर उधर हो जाते हैं, उसके प्रति एक हेय दृष्टि रखते हैं. तो ऐसे लोगों को, जो बहुत कॉन्स्टिपेटेड माइंड्स हैं, उनको ये पढ़ना चाहिए और पढ़ करके फिर इसके बारे में अपने ओपिनियन दें. ये सारे के सारे जो हैं श्लोक हैं, श्लोकों के साथ केवल संस्कृत विभाग ने क्या किया है, क्या अपनी ओर से लगा दिया है. बाकी सारा का सारा श्लोक वैसे ही है, लेकिन
क्या जो है ये संस्कृति विभाग की कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो क्या शत्रुओं से रक्षा के लिए तथा राज्य की उचित देखभाल के लिए योग्य गुप्तचरों की नियुक्ति की गई है? क्या राज्य की सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं? क्या किसानों को खेती के लिए वर्षा के जल पर निर्भर न रहकर सिंचाई के लिए नदियों का जल प्रयोग करते हैं? क्या राज्य में कृषि और व्यापार की दशा अच्छी तथा उद्देश्य की सिद्धि करने वाली है? क्या आज देश धन धान्य से संपन्न और सुख पूर्वक बसा हुआ है? आप 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको संपन्नता, धन धान्य सब कुछ चाहिए, सुख चाहिए। क्या राज्य में वन तथा पशु पक्षी सुरक्षित हैं? क्या राज्य के अधिकारियों के आम लोगों से परस्पर व्यवहार करते हैं, उचित व्यवहार करते हैं? क्या राज्य आर्थिक, यांत्रिक तथा सैन्य अस्त्रों, शस्त्रों, सैनिकों से परिपूर्ण है? क्या राज्य का धन अपात्रों के हाथ में है? क्या राज्य में निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था है? क्या लोभ के कारण किसी निर्दोष को दंडित किया जाता है? क्या अपराधी घूस देकर दंड से मुक्त हो जाते हैं? क्या राज्य के मंत्री धन के लोभ में न्याय व्यवस्था से हस्तक्षेप करते हैं? आप उत्तर दे सकते हैं। तो ये तो थे केवल रामायण के। चलिए अब महाभारत को भी देख लेते हैं। हम उसको कहते हैं धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, और धार्मिक ग्रंथों की कहीं पर कोई स्थान नहीं है जो अति बुद्धिवादी लोग हैं। तो देख लेते हैं उनकी बुद्धिवादिता को चुनौती देते हुए महाभारत के सभा पर्व के में से हम ये कुछ प्रश्न लेते हैं। वहां पर भी श्लोक दिए हुए हैं, संदर्भ दिए हुए हैं, केवल संस्कृत विभाग ने अपनी ओर से क्या शब्द को जोड़ा है, और इसका भी आप उत्तर जो है हाँ, ना और पता नहीं में दे सकते हैं, यस नो डोंट नो। क्या आज राज्य संबंधी कार्यों के निर्वाह के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है? क्या राज्य सरकार द्वारा कृषि, व्यापार, सुरक्षा, पुलों का निर्माण कर आदि कार्यों का उचित प्रबंधन किया जाता है? क्या आज वृद्ध, अनुभवी, शुद्ध हृदय वाले कुशल, कुलीन और विद्वान पुरुषों को मंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है? क्या राज्य की विकास संबंधी नीतियों को लागू करने में विलंब तो नहीं किया जाता? क्या राज्य का धनी वर्ग व्यसनों से बचे हुए हैं? क्या राज्य के किसानों और श्रमजीवी मनुष्यों की अवज्ञा तो नहीं की जाती है? कम्युनिस्ट लोग जरूर इस बात को नोट करें कि भाई केवल उनका ही ये विचार नहीं था, और ये कहने में अब तो मुझे भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि कम्युनिस्टों ने कहीं यहीं से चुराया हुआ तो नहीं है अपना कम्युनिस्ट आइडिया। क्या राज्य में धर्म और संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वानों को शिक्षक नियुक्त किया गया है? क्या आज राज्य में धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल, यंत्रों और सैनिकों की पर्याप्त व्यवस्था है? क्या राज्य के कर्मचारियों और सैनिकों को वेतन और भत्ता समय पर प्राप्त होता है? ये सारे महाभारत के सभा पर्व से हैं। क्या शत्रुओं से रक्षा के लिए तथा राज्य की उचित देखभाल के लिए योग्य गुप्तचरों की नियुक्ति की गई है? क्या राज्य का कार्य न्यायपूर्वक चलता है? क्या लोगों को कठोर दंड से पीड़ित तो नहीं किया जाता है? क्या लोगों द्वारा कठोरता पूर्वक कर तो नहीं ग्रहण किया जाता है? क्या राज्य की सुरक्षा के लिए शूरवीर, निर्भय, निष्कपट और पराक्रमी सैन्य अधिकारी को नियुक्त किया गया है? क्या राज्य द्वारा पुरुषार्थी व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है? क्या विद्या से विनयशील और ज्ञान तथा कला निपुण मनुष्यों को यथा योग्य धन आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है? क्या व्यक्ति राज्य की सुरक्षा व हित के लिए अपने प्राणों को सहर्ष त्याग देते हैं, उनके परिवार के योग क्षेम की व्यवस्था की जाती है? क्या सरकार द्वारा वृद्धों, गुरुजनों, दीन दुखियों और असहाय लोगों को धन धान्य आदि की सहायता दी जाती है? क्या राज्य के अधिकारी लोभी, अपराधी अथवा व्यवहारिक अनुभवहीन तो नहीं है? क्या जनता सरकार को समदर्शी तथा विश्वसनीय मानते हैं? क्या राष्ट्र के अधिकारियों या उनके संबंधियों द्वारा जनता को पीड़ा तो नहीं पहुंचाई जाती है? क्या राज्य के किसान संतुष्ट हैं? ये किसान आंदोलन वाले कृपया नोट करें इस बात को कि ये तब भी कंसर्न्स थे, ये तब भी चिंताएं थी। उन्हें खेती के लिए केवल वर्षा जल पर ही निर्भर तो नहीं रहना पड़ता? क्या किसान का अन्न या बीज नष्ट तो नहीं होता? क्या किसानों को ब्याज पर ऋण दिया जाता है? आदि आदि इस तरह के ये सारे प्रश्न आप लोगों के साथ गुड गवर्नेंस के लिए सांझे किए गए हैं महाभारत से। केवल इतना ही नहीं, एक और आगे हम चलते हुए देख लेते हैं, वो क्या है कि इस सुशासन का मूल्यांकन करने के लिए शुकनास नाम का एक मंत्री जो राजकुमार को प्रशिक्षण देता है, ये दशकुमार चरित का हिस्सा है, उसके भी प्रश्नों को आप देख लीजिए। और जब मैं प्रश्न कहता हूँ, वहां वो उपदेश तो दे रहा है,
लेकिन उन उपदेशों में क्या शब्द संस्कृत विभाग द्वारा लगा दिया गया है, और आप इसके उत्तर जो है हाँ ना में कर सकते हैं। और यदि किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के व्यक्ति को किसी प्राध्यापक के मन में ये बात आए तो इसके आधार पर अपने किसी रिसर्च स्कॉलर को कोई सर्वे करके एक सर्वे रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित करने के लिए साहस कर सकते हैं, अगर उनको कोई बहुत संकोच ना हो कि अरे ये संस्कृत से हम कैसे ले सकते हैं, हम तो केवल जो अंग्रेजी ठप्पा लगी किताबें हैं उनसे ही काम चलाएंगे, तो ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी हमारी ओर से उनका स्वागत है, हम उनका सम्मान करेंगे यदि वो इस तरह के विषय को, इस तरह की विषय सामग्री को वो अपने कार्य में प्रयोग में ला सकते हैं और इसके आधार पर आगे कुछ विकास की अवधारणाएं दे सकते हैं। तो शुकनास जो मंत्री है वो क्या सिखाता है, क्या उसको बताता है राजकुमार को जो कि आगे राजा बनने जा रहा है, तो उसका वो संस्कार करते हुए क्या पूछता है उससे, क्या राज्य का शासक योग्य विद्वान और अनुभवी है, खुद क्वालिफाइड है कि नहीं है, कि राजा केवल ये नहीं है कि अनपढ़ है और दसवीं पास है, आठवीं पास भी नहीं है, कुछ तो हमारे ऐसे MLAs और MPs हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, फेल हैं, और वो जो हैं MP बने हुए हैं और वो शासन चला रहे हैं। तो शुकनास क्या कहता है कि हर शासक को पहले क्वालिफाइड होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। क्या राज्य का अधिकारी वर्ग यौवन ऐश्वर्य से उत्पन्न अविवेक रूपी अंधकार से घिरा हुआ है, हाँ ना में उत्तर दे सकते हैं। राज्य का पालन करने वाला शासक धन के नशे तथा विषय विष रूपी मूर्छा से ग्रसित है, विलास आदि के मोह से अंधा होकर राजा अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो गया है, राजा का व्यवहार विषय भोगों में मन को रमाने वाला तथा कुमार्गी है, क्या राजा द्वारा निर्भीक प्रभावशाली दृढ़ संकल्प विद्वानों के उपदेशों का अनुसरण करता है, क्या राज्य का अधिकारी वर्ग झूठा अभिमानी व स्वार्थी है, क्या धन तथा पद के अभिमान में राज्य अधिकारी दुराचारी बन गए हैं, क्या प्रजा भय से ग्रसित होकर राजाज्ञा का पालन करती है, क्या राजा इंद्रियों और मन के वशीभूत होकर पापों को करने वाला तथा स्वयं की सुध-बुध खोकर दूसरों के इशारों पर चलने वाला है, क्या राजा असत्यभाषी दूसरों को दुख देने वाला अभिमानी तथा अपने हितैषियों की शिक्षा को न मानने वाला है, क्या राजा व्यसन तथा लालच के आवेश में आकर समाज को विनष्ट कर रहा है, क्या राजा भय व क्रोध का वातावरण उत्पन्न कर बड़े बड़े व्यापारी तथा अमीर वर्ग का दमन कर रहा है, क्या राज्याधिकारी वर्ग समाज के उत्थान और पतन का बोध रखता है, क्या राज्याधिकारी स्वार्थी विलासी तथा व्यसनी होकर स्व कर्तव्य के प्रति शिथिल रहने वाले हैं, क्या राज्याधिकारी अपने दुर्गुणों को सद्गुणों की श्रेणी में डालकर जनता को धोखा दे रहे हैं, क्या राजा शक्ति तथा धन के मत से मदोन्मत होकर दुर्जनों को पारितोषिक व सज्जनों का अपमान करने वाला है, क्या राजा मंत्रियों के परामर्श को तथा हित की बात कहने वालों के साथ ईर्ष्या अथवा क्रोध से व्यवहार करता है, क्या राजा द्वारा अपने कर्तव्य को छोड़कर झूठी प्रशंसा करने वाले व्यक्तियों को परामर्शदाता के पद पर नियुक्त किया है करता है, क्या राज्य का संचालन करने वाले अधिकारी क्रूर और दूसरों को धोखा देने वाले हैं, राज्य में जनता को धोखा देने में कुशल एवं क्रूर मंत्रियों को नियुक्त किया गया है, क्या राजा शास्त्र में रुचि न रखकर अपितु शस्त्रों द्वारा लोगों की हत्या करवाने वाले हैं, क्या शासक के व्यभिचारी तथा अज्ञानी स्वभाव के कारण सत्पुरुषों गुरुजनों और मित्रों द्वारा उसकी निंदा की जाती है, क्या राजा मद लक्ष्मी तथा स्त्रियों के राग में फंसकर अपने कर्तव्य पद से भ्रष्ट हो गया है, क्या राजा आलस्य तथा अधैर्यपूर्ण ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, क्या राजा जुए को विनोद, शिकार को व्यायाम, सुरापान को विलासिता, प्रमाद को शूरता, गुरुओं के वचनों की अवहेलना को स्वाधीनता, अपमान सहन को क्षमा, मनमानेपन को प्रभुता, महान व्यक्तियों के अपमान में महाशक्तिशालिता, बंदी जनों द्वारा की गई प्रशंसा को यश, चपलता को उत्साह तथा भले बुरे की विशेष जानकारी न रखने को पक्षपातहीनता आदि इस प्रकार के दोषों को गुणों की श्रेणी में रखकर प्रजा को ठगता है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। और चलिए अंतिम जो चौथा जो प्रश्नावली है, मूल्यांकन पद्धति है, जो कि किरात आर्जुनी में एक महाकाव्य है संस्कृत का, भारवी का, उससे हमने लिया है और उस
के प्रथम जो सर्ग है उसमें से ही श्लोकों को प्रश्न के रूप में परिवर्तित किया है। इतना ही मात्र जो है वो कंट्रीब्यूशन है संस्कृत विभाग का कि उसने सारे श्लोकों को जो है प्रश्नों में परिवर्तित कर लिया है और उसके आधार पर जो है ऑनलाइन सर्वे किया है। क्या शासन व्यवस्था प्रजारंजन पर आधारित है? देखिए कितना डायरेक्ट प्रश्न है जो कि हमारे ना संविधान में मिलेगा ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पढ़ाएगा कि प्रजारंजन पर आधारित है। क्या राष्ट्र के अधिकारी आलसी स्वार्थी तथा असावधानी पूर्वक कार्य करने वाले हैं? क्या शासन केवल सैन्य बल से चलाया जाता है? क्या शासन अपने कर्मचारियों से उचित व्यवहार करता है? क्या शासन के अधिकारी वर्ग राष्ट्र की स्थिरता और हित के लिए परस्पर एकमत हैं? क्या योग्य अधिकारियों कर्मचारियों तथा विशेष गुणों से युक्त जनों का सम्मान किया जाता है? क्या राष्ट्र की आर्थिक नीति समृद्धि को बढ़ाने वाली है? क्या न्याय व्यवस्था पक्षपात रहित और धर्म पर आधारित है? क्या देश की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा तंत्र का निर्माण किया है? क्या किसानों को खेती के लिए उचित साधन उपलब्ध हैं? क्या किसानों को सिंचाई करने के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध है? क्या किसान अपने परिश्रम से अधिक व प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पन्न करने में सक्षम है? क्या सेना में गुटबंदी और अविश्वास का वातावरण है? क्या विकास की परियोजनाएं अधूरी छोड़ दी जाती हैं? क्या जनता शासन के आदेशों का पालन राष्ट्र प्रेम की भावना से करती है? क्या शासन की नीतियां भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति में भी सहयोगी हैं? क्या शासन द्वारा साम दाम दंड भेद की नीति का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जाता है? क्या राष्ट्र में निष्कपट रूप से प्रजा के साथ साम अर्थात सौम्यता का व्यवहार, दान अर्थात योग्य को पुरस्कार, धर्मानुसार दंड अर्थात निष्पक्ष न्याय किया जाता है? क्या राज्य की नीतियां एक दूसरे के विरोधी न होकर परस्पर सहायक होकर राज्य को समृद्ध करने वाली हैं? कि जो पॉलिसीज आप डिजाइन करते हैं वो क्या एक दूसरे के सिंक्रोनाइज होकर के राज्य का जो GDP है उसको बढ़ाती हैं या वो पॉलिसीज एक दूसरे के विरोध में खड़ी रहती हैं और वो देश की राज्य की हानि करती हैं? ये वो कहना चाहता है इसमें। क्या न्याय व्यवस्था अपराधों को रोकने में सक्षम है? क्या मित्र व शत्रु राष्ट्रों पर नजर रखने के लिए मजबूत गुप्तचर प्रणाली की व्यवस्था है? क्या अधिकारी वर्ग राजकीय कार्य पूर्ण निष्ठा व निज कर्तव्य समझकर करते हैं? कुल मिलाकर के ये आपको जो है चार जो मॉडल्स हैं इवेल्युएशन के, गुड गवर्नेंस को इवेल्युएट कैसे करना है, ये संस्कृत शास्त्रों में दिया गया है और इसके आधार पर आप लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। और यदि आपकी कभी रुचि जागे तो हम आपको ऑनलाइन लिंक भी दे सकते हैं, अगर आप उस फॉर्म को भरना चाहें तो उसको आप भर सकते हैं, क्योंकि एक सर्वे वर्क जो है हम उस पर कंडक्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये गुड गवर्नेंस का एक व्यापक प्रारूप है जो आप लोगों के साथ हमने साझा किया और इस उम्मीद के साथ संस्कृत विभाग ने ये सारा वक्तव्य साझा किया है कि संभव है आज नहीं तो आने वाले समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन चीजों को, इन सब बातों को, इन प्रारूपों को स्थान दिया जाएगा और इस आधार पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग एक अल्टरनेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था को बना करके उसको लागू करेंगे, उसको पढ़ाएंगे और उसको आगे विकसित करेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का हार्दिक धन्यवाद कि आप लोगों ने समय दिया और इसको सुना। आप लोग अपनी असहमति जता सकते हैं, इस पे आक्षेप कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं और उसका आपका स्वागत है। चित्र आप देख ही रहे हैं कि हो यही रहा है कि दिस इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और यू कैन नॉट डिक्टेट एनीवन। तो हमारा भी आप लोगों से निवेदन ही है, विनम्र निवेदन है। तो धन्यवाद।